नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मध्य प्रदेश का कटअप कितने जाएंगे इसके बारे में पूछा जा रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस की परीक्षा ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और आप सभी लोग जो है यहाँ पर कितने कटअप जाएंगे यह जानने के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो यह है कटअप मध्य प्रदेश वालों के लिए, आप किस स्टेट से बिलोंग करते नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा ताकि हम भी आपके स्टेट पर बता पाएँ आखिर आपके स्टेट पर कितने कटअप जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं एसएससी एमटीएस में इस बार कितने कटअप जाने की संभावना। ये कटअप कुछ पिछले कटअप के दौरान जो है आंकड़ा के हिसाब से यहाँ पर निकाले गए कि इस बार कितने जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर टीयर वन से लेकर फाइनल कटअप के बारे में चर्चा करेंगे, टीयर वन में कितने थे, टीयर टू में कितने और फाइनल में कितने कटअप यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर आज का सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, आखिर टीचर्स जो डे होते हैं वो किस दिन मनाया जाता है, नीचे कमेंट लिखकर जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं ये 5 मिनट का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस कटअप 2016 से 17 में जो टीयर वन है वो एसएससी एमटीएस पिछली अधिसूचना 2016 में जारी की गई थी। परीक्षा 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक आयोजित की गई थी। परीक्षा पैटर्न में कुल जो है 150 अंक रखे गए थे और यहाँ पर 100% आपको दी गई थी। कितने परसेंट? 100% दी गई थी। तो यहाँ पर जितने भी कटअप है वो 150% के हिसाब से दी गई है। अब जो प्रश्न है यहाँ पर 100% 100 मार्क्स के लिए गए, इसीलिए अब जो नया कटअप आएंगे वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटअप को फिट करेंगे। इसके बाद बता दें दोस्तों यह मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लिए 122 कटअप गए थे, अनुसूचित जनजाति में 113.5 कटअप गए थे, एक्स सर्विसमैन के लिए 49.5 कटअप गए थे, ओ के लिए 117.25 कटअप गए थे, एचएस के लिए 91.5 कटअप गए थे, ओबीसी के लिए 123.25 कटअप गए थे, वहीं बीएच के लिए 114.75 कटअप गए थे और यूआर कैटेगरी के लिए जो थे 125.25 ये कटअप गए थे। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हाईएस्ट कटअप उठा रहे हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए सारे कैंडिडेट के लिए। वहीं पर दोस्तों बात करें कि अगला यहाँ पर टीयर टू के लिए, तो टीयर टू का परीक्षा जो थे यहाँ पर बता दें कि टीयर टू का एग्जामिनेशन जो है पेपर वन में जो उत्तीर्ण थे वही पेपर टू में आपका परीक्षा दे सकते थे। जो पेपर जो है 28 जनवरी को आयोजित की गई थी और पेपर टू में जो है एक डिस्क्रिप्शन पेपर था जो कि योग मतलब क्वालिफाइड करना जरूरी था और यह जो जनरल कैटेगरी के लिए 17.5 मार्क्स लाने जरूरी है जो कि 35% होते हैं और आरक्षित वाले यानी जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी आते एसटी एससी ओबीसी या जिसको छूट मिलते सभी के लिए 16.5 कटअप 5 मार्क्स लाने अनिवार्य थे यानी 33% लाने जरूरी थे। तो ये थे टीयर टू का कुछ कटअप जो कि आप सभी यहाँ पर देख लें कि क्वालिफाइड करना जरूरी होते। अब फाइनल कटअप के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर टीयर टू के बाद जो फाइनल कटअप कितने बने थे 2016 से 17 में। तो टीयर टू रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य के लिए उम्मीदवारों का अंततः पेपर वन के में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना गया था जो उनकी बैठक में पेपर टू में निर्धारित बुनियादी योग्यता मानकों के अधीन थे। आइए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कितने कटअप यहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यह मध्य प्रदेश का कुछ कटअप है जो कि अनुसूचित जाति के लिए यह फाइनल कटअप 125.50 कटअप गए थे और अनुसूचित जनजाति के लिए 116.75 कटअप गए थे, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 126.50 कटअप गए थे और युवा कैटेगरी के लिए 128.25 यह कटअप जो है गए थे। अगला बात कहते हैं दोस्तों इस बार कितने कटअप जाने की संभावना है। तो 2019 से 20 में जो कटअप जाएंगे वो कटअप यहाँ पर आप सभी के पास व्यक्त कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2019 से 20 में 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का परीक्षा होंगे और इस बार जो है कुल जो 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। तो कम से कम इतना पैटर्न जो है इतना कम से कम जरूर से जरूर जाएगी। कितना जाएगी इसी के विषय में चर्चा करने वाले। मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति के लिए 83.50 कटअप जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए 77.50 कटअप जाएंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 84.50 कटअप जाएंगे और यूआर कैटेगरी के लिए 85.50 इस बार जो 19 से 20 में जो परीक्षा दे रहे हैं कम से कम इतना कटअप जरूर से जरूर जाएंगे। ये फाइनल कटअप है, याद रखिएगा यह जो फाइनल कटअप है। तो आई होप आप सभी देख पा रहे कितने ज़बरदस्त कटअप इस बार जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे कुछ फाइनल कटअप के लिए जो 19 से 20 में कटअप जाने वाले। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा
क्योंकि ये जो कटअप थे, आप सभी को बता दें, ये कटअप आप सभी के लिए मध्य प्रदेश वालों के लिए थे। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि आपके भी स्टेट पर हम ला पाएँ और आपको भी पहुंचा पाए कि आखिर आपके स्टेट में कितने कटअप हैं। तो इसके साथ साथ जो है दोस्तों, आप अपने नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर, आखिर टीचर्स दिवस कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट लिखकर जरूर से जरूर बताइए। वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबा के जुड़ जाए। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें contact@newteachersclass@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।